नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पैसे मेरे लिए बहुत कम है। हाँ हाँ, तो जैसे लुटेरे के लिए दुनिया की सारी दौलत भी कम है। कौन है आप? मैं पिंकी का नाना हूँ। नानू, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो बेकसूर हैं। पैसे तो हम लेकर आए थे। चलिए पिंकी मैम साहब, चलिए। नानू नानू नहीं, नानू नानू नहीं, नानू गोविंद तो बेकसूर है, नानू छोड़ दीजिए गोविंद को, नानू प्लीज, नानू मेरी बात। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। खबरदार, जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया उसने कोई धोखेबाजी नहीं की। मैं अपने बेटे को इस तरह झूठी चोरी के इल्जाम में नहीं ले जाने दूंगी। माँ, अमीरी में बहुत ताकत होती है, मगर बेटे वो हम गरीबों पर इल्जाम तो क्या, हमें फांसी पर भी लटका सकती है, मगर सच्चाई पर मेरा पूरा विश्वास है। चलिए इंस्पेक्टर। सेठ, ये किस्सा कहीं और नहीं दोहराना, वरना दुनिया का कोई गरीब कभी किसी अमीर को सहारा नहीं देगा। ये चाल तो मैं समझ गया, लेकिन तुमने अपनी बेटी को अपने ससुराल भिजवा दिया, वो चाल अपने समझ में नहीं आई। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा राजा और रानी मेरी चाल के जाल में फंस चुके हैं, उसी तरह वो दौलत का राजा और उसकी नवासी मेरी चाल के जाल में फंस जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरा पयादा अपनी चाल की बाजी ऐसे बहादुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कोई कार्रवाई करने को, हम ये बस्ती उजाड़ के रखेंगे। किसने दी मेरी जमानत? मैं तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए यहां पर आया हूं। बरसों पहले इसी राय बहादुर ने तुम्हारी ही तरह मुझे भी इन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे जमानत पर छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी बेटी मेरी पत्नी की तरह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती। राय बहादुर ने मेरी मां को तो खत्म कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को मरने से बचा लिया। क्या हुआ मेरी मां को? राय बहादुर के कुत्तों ने तुम्हारी मां को कुछ जख्म पहुंचाए हैं। इस
इस घर की दहलीज पर कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे हिम्मत तो हम गरीब माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं। बंद कर ये बेहुदा बकवास। हाँ हाँ, हम गरीबों की हर बात बकवास है, बेबुनियाद है। हम पर होने वाले अत्याचार 20 पैसे के अखबार में छपने वाले एक मामूली से समाचार है ना? क्या अत्याचार किया है हमने? अरे अपने गुंडों से मेरी माँ को जख्मी करवा कर अस्पताल पहुँचा दिया। क्या ये अत्याचार नहीं सत्याचार है? क्या समझा था तुम? किस्सा खत्म हो गया? बेटा जेल में और माँ अस्पताल में दम तोड़ देगी? नहीं सर, नहीं। जो माँ बच्चे को दूध पिलाए बिना नहीं मरती, बच्चा उसके दूध का हक अदा किए बिना नहीं मरेगा सेठ, नहीं मरेगा। अच्छा, तो ये तेरी नई चाल है। हमारी पिंकी को बहकाने का नया तरीका ढूंढा है तूने, है? बच्चू, ये क्यों नहीं कहता कि बिजनेस करने आया है? बोल, कितना रुपया चाहिए? ये दौलत अपने लिए संभाल के रखना सेठ राय बहादुर। अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना, तो कसम है मां के दूध की, मुझसे बचने के लिए तुम्हारी ये 50 पीढ़ी की जायदाद कम पड़ेगी। गोविंदा, हम आ गए गोविंदा। बेटी ना, रो मत। तेरी और गोविंदा की शादी जरूर होगी, एक बाप के आशीर्वाद से होगी। देखता हूं तेरा नानू एक बाप से उसका हक कैसे छीनता है। तू चल मेरे साथ, चल अब। चलो मेरी बेटी, देर मत करो, नहीं तो मेरे सारे किए करा में पानी फिर जाएगा। हाँ पिंकी, तुम इन्हीं के साथ चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे नानू दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुम इनके साथ चली जाओ, चली जाओ बेटी। चल मेरे बेटे, आजा आजा, चल। पिंकी को घर वापस लाने का यही तरीका रहेगा? यही तरीका है, यही रास्ता है। तू आज भी क्यों नहीं आएगा खान? तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मैं जाऊंगा आज, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Thank you.
पिंकी कहाँ है? पिंकी इस बस्ती में नहीं है। और तेरी बाकी की जिंदगी तो इन्हें गिनने में गुजार देगा बेटा। इतने सारे रुपए लाया हूं मैं, सिर्फ मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दो प्लीज, मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। अच्छा तो आप धंधा करने आए हैं, बिजनेस? कितने रुपए लाए हो सेठ? 10 लाख करोड़? 10 करोड़? कसम मां के दूध की, अगर पिंकियां होती भी ना तब भी दौलत और मोहब्बत के सौदे में आप मात खा जाते, क्योंकि आप जैसे दौलत वाले की दुनिया में दिल की कीमत होती होगी, लेकिन हम प्यार करने वालों की दुनिया में दिल वो अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं होता। शायद तेरे नसीब में मेरी दौलत नहीं लिखी, शायद तेरे नसीब में मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। सेठ, सारी दुनिया की तकदीरों का ट्रैफिक उसकी लिखावट पर चलता है। अगर गोविंदा की किस्मत में मोहब्बत के नाम पर मरना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, और अगर तुम जैसे लोगों की नफरत को मार कर जीना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। तुमने साबित कर दिया सेठ कि तुम अमीरों के पास दिल होता ही नहीं, इसलिए शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि दिल होता कहां है। दिल यहां है सेठ, निशाना यहां लगाओ, देखता हूं तुम्हारी नफरत मुझे मार सकती है या मेरी मोहब्बत की ताकत मुझे जिंदा रखती है। पागल हो गया तू, गलत आदमी पर गोली चला रहा है, असली मुजरिम तुम्हारा दामाद है। ये लो, उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे नाम। ससुर जी, आपकी तिजोरी की चाबी यानी कि मेरी बेटी पिंकी इस वक्त मेरे कब्जे में है, आप बिना पुलिस को खबर किए काली पहाड़ी पे नोटों के साथ पहुंच जाइए। आपका इकलौता दामाद। पिंकी को उसके लालची बाप के चंगुल से छुड़ाकर अब तुम ही ला सकते हो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रुक जाओ, पिंकी को सही सलामत उसके नानू के पास ले जाना तेरा फर्ज ही नहीं, हमारी की हुई गलती का प्रायश्चित भी है। अगर तू उसे ना ला सका तो ये गोली तेरे काम आएगी। अपनी की हुई गलती के प्रायश्चित में मेरे बेटे को गंवाने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जिस बेटे को मां का आशीर्वाद मिल जाए उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। दादी, इस जगह पर तो नानू पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन दादी ये सब लोग कौन है? बेटी, ये सब तुम्हारे बाराती हैं, तुम्हारी डोली उठाने वाले मेरे साथी हैं। इनके होते हुए तुम्हारे नानू तुम्हारी और गोविंदा की शादी नहीं रोक सकते। डैडी, नानू की गाड़ी आ रही है डैडी, वो देखो।
होगा? घबराओ मत बेटी, तुम्हारे नानू इस वक्त तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। आइए ससुर जी आइए। ये तो बताइए कि अपनी निवासी के कन्यादान के लिए कितना दान लाए हो? हरामजादे, अपने कुत्तों से कहे अब मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दे, मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दे। डैडी ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने की कीमत वसूल कर रहा हूँ बेटी। देखा बेटी, ये हमेशा तुम्हें झूठी बातों से बहकाता रहा, मेरे खिलाफ करता रहा, ये देख इतने सारे रुपए तुम्हें वापस लौटाने की कीमत मांग रहा है। ये ठीक कह रहा बेटी। देख बुड्ढे, तेरी बेटी से शादी करके मैंने एक छोटी सी बाजी जीती थी, लेकिन खुद बेटी को जन्म दे के मैंने जैकपॉट जीत लिया है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो ससुर जी? बस चंद लम्हों की तो बात है, अभी मेरा एक आदमी इधर आएगा और मुझे बॉर्डर पार करा देगा। तब तक एक बेटी अपने बाप के पास रहेगी, अपने नाना के पास नहीं। आ गया। मिस्टर जॉन सब तैयार है? ओह यस, सब तैयार है। 45 मिनट्स के अंदर हमारा जीप तुम्हें बॉर्डर के बाहर पहुंचा देगा। हिस्सा दे दो इसे। मिस्टर अजीत, पैसा तो हम बहुत कमाया, आपके बाद हमको ये गर्ल मांगता। Thank you.
पैसे चल Oh!
नहीं! अरे मैं भी आया।